मणिपुर पहुंचते ही राहुल गांधी का हुआ भव्य स्वागत। वीडियो देख पूरी दुनिया हो गई हैरान। यहां आपको पता चले कि बीते 55 दिनों से अधिक समय से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां दो स्थानीय जातीय मैतई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद अब राहुल गांधी 29 जून को मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर में पहुंच चुके, जहां पर मणिपुर की धरती पर कदम रखते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी का स्थानीय कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता के द्वारा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से अपने उसी लुक में नजर आ रहे, हाफ टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे। वहीं एक यूजर के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि जहां नहीं पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पहुंचते हैं राहुल गांधी। मणिपुर में राहुल गांधी नफरत की आग बुझाने गए। राहुल गांधी मणिपुर में रहकर मोहब्बत की दुकान सजाएंगे। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर के द्वारा लिखा गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर में, अब मणिपुर में भी खुलेगी मोहब्बत की दुकान। साथ ही आरजी मिशन 2024 के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि नफरत की आग में जलते मणिपुर को जरूरत है मोहब्बत की। इसी मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने राहुल गांधी मणिपुर आ रहे। जी हां, आपको पता चले कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, अब उसी आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी मणिपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी अब मोहब्बत की दुकान आपको खोलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल राहुल गांधी के मणिपुर दौरा को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।